तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वही पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को लोगों के गुस्से का खूब सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को किसानों ने पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट में भाजपा विधायक अरुण नारंग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में उनके कपड़े तक फट गए और उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। अरुण नारंग अबोहर से भाजपा के विधायक हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अबोहर विधायक समेत बीजेपी के कई नेता मलोट कार्यालय की तरफ जा ही रहे थे। जैसे ही नारंग अपनी कार से उतरे, नाराज किसानों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। घटना के लिए विधायक ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ये सरकार गैंगस्टर को सुरक्षा देती है, एमपी एमएलए को नहीं। आप भी सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। नहीं, मैं विरोध तो हो सकता, विरोध तो किधर भी हो सकता, नारे लग सकते हैं, काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, विरोध तो हो सकता, लेकिन उत्तर नहीं। वह तो तैयार बैठे थे, जिवें विद प्लानिंग आए थे भी अज मार के ही जाना, वह तो विद प्लानिंग आए थे। तो किसान तो कहते कि असी वायलेंस करनी ही नहीं, असी यह कोई काम नहीं करना, शांतमई ढंग सा विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है। हम झंडे तो भरावा किसानों के फड़े, बाकी उन्हें केड़ी अंसर जुड़े से। हम किसान तो साढ़े भी फैमिली रिलेशन है किसानों ना, बड़े अच्छे आ किसान बैठे होने देख तो मेरे ना, किसान तो ही नहीं करता। ये तो हम कड़े अंसर सी, केड़ा ग्रुप सी, कौन सी, ये तो उतों के लोग जानते या पुलिस जानती है। पुलिस सुरक्षा पर विश्वास नहीं था? बिल्कुल नहीं है, पुलिस सुरक्षा दे ही नहीं सकी। पुलिस ने किसी को डंडा ही नहीं मारिया, किसी को पासे नहीं किया, आपकी जान मसे बचाई पुलिस ने। पुलिस के हाथ कोई हथियार या कोई डंडा भी नहीं सी, कोई मेरी सेफ्टी वास्ते। हम तो अभी सेफ ठीक है, मेरी सेफ्टी। हॉस्पिटल चले गए हो? की कहंदे डॉक्टर? हॉस्पिटल गया मैं दिखा के आया, लेकिन ठीक है, दवाई लेके आया। सरकार ते सवाल खड़े कर दियो, किस तरह दे सवाल ने, आखिरकार वायलेशन तो हुई है? नहीं, यह जी सरकार जिन्हों लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझता, जिंदे को यह जे गैंगस्टरां नूं तो संभाल के रखते, तो एमएलए की सेफ्टी नहीं कर सकते। यह जी सरकार तो जानी चाहिए है। पर जिस तरह कहते कि किसान इन्नी देर तो उत्थे बैठे ने लंबे समय तो, कहते गुस्सा उन्होंने भी काफ़ी है? गुस्सा काफ़ी है तो मार दे सानू फिर। जिहड़ा बीजेपी का इत्थे कोई कार्यकर्ता है या बीजेपी की कोई गल करता है तो उन्होंने मार देन फिर, यही तरीका है। फिर सरकार कित्थे है, सरकार की कर रही है, सुती भी है? पुलिस कार्रवाई कराओगे? पुलिस कार्रवाई जो साड़ी पार्टी करेगी। नहीं देखो, जो किसी नाल मारकुट होंगी है कुछ होंगे, सब तो पहला पुलिस शिकायत करता है। तुम्हें की है हम तक? नहीं की। क्यों नहीं की? मैं मेरी पार्टी को सारा घटना दसती, सारी गल करती, जो आदेश उत्तों आएगा वो कर। किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी। किसान एकता मोर्चा ने इस घटना पर खेद भी जताया है। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह को नहीं रिहा किया गया तो किसान सभी नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें, युद्धवीर सिंह शुक्रवार को अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। टिकैत ने इसी बहाने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, यही असल गुजरात मॉडल है जो हम लोगों को बताना चाहते थे। गुजरात में लोग पूरी तरह से बंधे हुए हैं। आपको बता दें, 26 मार्च को भारत बंद करने के बाद अब 28 मार्च को होलिका दहन पर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया है।